नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बाइनरी एडिशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से 9 तक 10 डिजिट होते हैं, उसी तरह बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 2 ही डिजिट होते हैं, 0 और 1। यहाँ हम इन डिजिट्स को बिट बोलते हैं। बाइनरी डिजिट्स का ये शॉर्ट फॉर्म है बिट्स। तो 0 एक बिट है और 1 भी एक बिट है। तो यहाँ पर बाइनरी एडिशन करते समय हम कुछ सिंपल रूल्स को फॉलो करते हैं। ऐसा देखें कि व्हेन एडिंग बाइनरी नंबर्स द फॉलोइंग रूल्स अप्लाई। 0 + 0 = 0, 1 + 0 = 1, 0 + 1 = 1। दैट्स ऑल राइट। लेकिन डिफरेंस यहाँ पर आता है 1 + 1 = क्या होगा। तो यहाँ पर है 1 + 1 = 10। तो उसमें हम लोग 0 तो लिख लेते हैं और 1 को कैरी के रूप में अगले कॉलम में भेज देंगे। अगर हम डिजिटल नंबर सिस्टम में देखें तो 1 और 1 क्या होता है, 2। बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 के करिस्पॉन्डिंग 1 0 ही होता है। एक बात और यहाँ ध्यान रखने वाली है कि लॉजिक ऑपरेशन और बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशन अलग अलग हैं। जो लॉजिक ऑपरेशन होता है वो अलग बात है, और हम लोग जो ये पढ़ रहे हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन है। एक और रूल है जो कि बेसिक रूल तो नहीं कह सकते, लेकिन याद करना बहुत ही ठीक रहेगा कि जब 3 रो हों और 1 + 1 + 1 या पिछली कॉलम का एक कैरी आ जाए और 2 1 1 हो, तो डायरेक्ट हम लोग याद रख सकते हैं 1 + 1 + 1 = 1 1 होता है, जिसमें 1 तो लिख लेंगे और 1 को कैरी के रूप में अगले कॉलम में पहुंचा देंगे। अब हम लोग एग्जांपल देखते हैं। ये पहला एग्जांपल है, ये लेट अस ऐड द फॉलोइंग 2 बाइनरी नंबर्स। मान लिया कि हमको 2 बाइनरी नंबर दिए गए हैं और उनको हमें ऐड करना है। लिया 1 0 1, इसमें हमको ऐड करना है 0 1 0। तो हमने 1 0 1 लिख लिया और 0 1 0 लिख लिया। इसके बाद में देखिए 1 और 0 को ऐड करिए। अब ये रूल देखिए, 1 + 0 = 1, तो ये 1 आ गया। अब 0 और 1 को ऐड करना है, तो 0 + 1 का रूल देखिए क्या है, 1। तो 0 और 1 = 1। अब 1 और 0 = 1, तो 1 और 0 जो ऐड हो रहे हैं क्या हो रहा है, 1। तो इसका आंसर आ गया हमारा 1 1 1। इसी को हमने यहाँ पे कॉलम वाइज शो किया है। फॉर द फर्स्ट कॉलम, इस वाले कॉलम के लिए 1 + 0 1 हो गया। सेकेंड कॉलम के लिए 0 + 1 = 1 हो गया, और थर्ड कॉलम के लिए 1 और 0 मिलकर के 1 हो गया। इसी तरह हमने एक दूसरा एग्जांपल भी लिया है, ऐड द फॉलोइंग 2 बाइनरी नंबर्स। अब यहाँ पर जो बाइनरी नंबर है उसमें 5 बिट हैं, 1 0 1 1 1, 1 0 0 1 0। ये 2 नंबर हैं बाइनरी, एक ऊपर वाला और एक ये नीचे लिखा है, इन दोनों को ऐड करना है। तो 1 और 0 को ऐड किया तो 1 आया। यहाँ से रूल देख लीजिए, 1 और 0 1। लेकिन यहाँ से 1 और 1 को ऐड करेंगे तब 0 आएगा और कैरी भी 1 होगा साथ में, ये वाला ये पिछले कॉलम में चला जाएगा। तो 1 और 1 तो 0 यहाँ हो गया, और जो 1 कैरी है वो यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हो 1 कैरी को। तो ये जो 1 कैरी आया है, ये पिछले कॉलम को ऐड करने से 0 मिला था, उसके साथ 1 कैरी उसको यहाँ लिख लिया।
अब यहाँ तो वन और जीरो वन हुआ, और ये कैरी भी साथ में इसमें जोड़ दो तो वन और वन फिर से जीरो हो गया और उसका एक कैरी यहाँ आ जाएगा। अब जीरो और जीरो इन दोनों को ऐड किया तो जीरो मिलेगा, जैसा ये रूल ही है, जीरो और जीरो जीरो, लेकिन वन कैरी है, फिर जीरो में वन हमने ऐड कर दिया तो क्या मिला, वन। तो यहाँ कोई कैरी नहीं मिला। अब सिंपल यहाँ वन और वन को ऐड करना है, वन और वन को ऐड करने से हमको जीरो मिला, अब वन कैरी है तो आगे अब कुछ है नहीं, तो कैरी को हमने एज इट इज लिख दिया। तो इसको फिर हमने एक एक कॉलम को आगे एक्सप्लेन भी किया है। ये फर्स्ट कॉलम जैसा अभी आपने देखा था उसमें वन प्लस जीरो है तो वन प्लस जीरो को ऐड किया, इक्वल टू वन हो गया। सेकेंड कॉलम के लिए वन और वन है, उसको जब हमने ऐड किया तो वन जीरो हुआ, इक्वल टू जीरो लिख लिया और कैरी जो वन आया उसको पिछले कॉलम में भेज दिया। थर्ड कॉलम में वन प्लस जीरो है और प्लस कैरी जो आया था अगले कॉलम का वो, तो वन प्लस जीरो प्लस कैरी वन, ये तीनों ऐड होकर के हो गए वन जीरो। वन जीरो का जीरो लिखा, कैरी को फिर पिछले वाले कॉलम में भेज दिया। तो फोर्थ कॉलम में जीरो प्लस जीरो प्लस कैरी जो वन आया है वो सब मिल करके हुआ वन। और लास्ट एंड फिफ्थ कॉलम में वन प्लस वन इक्वल टू वन जीरो, तो वन जीरो को अब एज इट इज ही लिखना पड़ेगा। वन जीरो का जीरो लिख दिया और जो कैरी है उसको भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि आगे अब कोई भी कॉलम जोड़ने के लिए ऐड करने के लिए नहीं है। इसी तरह हम 8 बिट अरिथमेटिक देखें, एक ऐसा नंबर जिसमें कि 8 बिट है। इन फर्स्ट जनरेशन माइक्रो कंप्यूटर्स एडिशन इज डन ऑन 2 8 बिट नंबर्स एज फॉलोइंग। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो 8 बिट को 4 4 बिट के कम्बिनेशन में बांट करके उनका एडिशन कर देते हैं, जैसे कि A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, 8 बिट A हैं, 8 बिट। एंड नीचे भी V0, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 तक 8 बिट नीचे दिए हैं। अब A0 ऊपर वाले में और V0 जो बिलो दे रखा है नीचे, इनको LSB कहते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और जो सबसे लास्ट में हाईएस्ट पोजीशन पे है A7 और इसका B7, इनको हम MSB कहते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब इनको हमने चार चार के पेयर में बना लिया, ऊपर 4 का पेयर, नीचे 4 का पेयर, ऐसे ही इधर 4 का पेयर और उसके नीचे भी 4 का पेयर, उनको एडिशन करेंगे तो क्या आएगा। तो सिंपल सा हमने इसको एग्जाम्पल के फार्म में नीचे लिख लिया है, वन 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 जीरो, वन जीरो वन जीरो, वन जीरो वन जीरो, वन वन जीरो जीरो। ये कोई भी आर्बिट्रेरी एग्जाम्पल है, ये कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं जीरो वन की, हमने एक अच्छा सा एग्जाम्पल ले लिया। अब यहाँ पर देखें कि वन और वन, अब वन और वन क्या होगा, वन और वन का एडिशन होता है वन जीरो, वन जीरो का जीरो तो यहाँ लिख लिया, और ये वन कैरी, ये देखिए क्या है कैरी, ये इससे पिछले वाले कॉलम के ऊपर लिख दिया। अब यहाँ जीरो और वन तो वन हो गया, अब वन में वन कैरी ऐड किया तो फिर जीरो उसके साथ वन कैरी, कैरी पिछले कॉलम में लिख दिया जाकर, एक कैरी पिछले कॉलम में इसके, तो वन और वन ये क्या हो गया वन जीरो, वन जीरो का जीरो ले लिया और कैरी यहाँ लिख दिया। अब यहाँ जीरो आया और वन कैरी का ऐड कर लिया। इसको ठीक से देखें कि वन और वन क्या हुआ वन जीरो, वन जीरो का जीरो लिया, कैरी तुरंत हमने अगले कॉलम में लिख दिया, लेकिन जीरो जो यहाँ हमने लिया उसके साथ पुराने अगले कॉलम का जो वन आया था उसको ऐड कर लिया, तो जीरो और वन ये वन हो गया। अब यहाँ वन कैरी और जीरो है, इन तीनों को ऐड किया तो वन आया। अब इसको वन और वन ऐड किया तो वन जीरो आया, वन जीरो का जीरो यहाँ लिख लिया, कैरी वन पिछले कॉलम में लिख दिया, पिछले कॉलम में लिख दिया कैरी ए लिख दिया कैरी। अब जीरो और वन वन और वन के साथ ए वन फिर ऐड किया तो वन जीरो मिला, वन जीरो का जीरो यहाँ लिख दिया, कैरी यहाँ पे पिछले कॉलम में लिख दिया,
फिर वन और वन का वन जीरो, तो जीरो यहाँ लिख दिया, और कैरी जो है वो यहाँ पे होगा ए। अब जीरो 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 और वन कैरी, तो ये वन हो गया। इस तरह से इस रो को ऐड करने से, दो यानी दो बाइनरी नंबर्स को ऐड करने से हमको जो आंसर मिला वो नीचे लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 16 बिट का अरिथमेटिक ऑपरेशन। तो 16 बिट अरिथमेटिक ऑपरेशन कैसे करेंगे? सीधी सी बात है कि इसमें जो हमको बाइनरी नंबर्स दिए गए हैं उनमें 16 बिट हैं, यानी 4-4 के 4 पेयर, 4-4 के 4 जोड़े। हमने कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर्स ले लिए, ये ऊपर लिखा है एक आर्बिट्रेरी नंबर 0011 0101 1111 0000, ऐसे ही नीचे हमने एक ले लिया कोई भी बाइनरी नंबर 1111 1110 0000 1100। अब हमको इनको ऐड करना है एज इट इज, जैसे हमने पहले ऐड किया है, जिन रूल्स को फॉलो किया है बिल्कुल वैसे ही करेंगे। 0111 1110 0010 हुआ, 10 का 0 यहाँ लिख लिया, 1 कैरी पीछे चला गया। अब तीन बार अगर 1 है तो उनके लिए याद कर लीजिए कि 1 आएगा, बाकी रूल आप वही फॉलो करिए तो भी ठीक है। तो 3 है, इसमें 2 आएंगे, 1 यहाँ लिख लिया, 1 यहाँ कैरी में चला गया। अब 1 और 1 का फिर 0 आया, कैरी यहाँ आ गया। अब 3 है, 1 2 3, तो 1 यहाँ आएगा, 1 कैरी में चला जाएगा। 2 है तो 0 आ जाएगा और 1 यहाँ आ जाएगा कैरी में। 2 है तो 1 0 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ कैरी में आ जाएगा। 2 है तो 0 वहाँ यहाँ आएगा, कैरी यहाँ आ जाएगा। 1 1 और 1 2 हैं तो 1 0 यहाँ आ जाएगा और कैरी यहाँ आ जाएगा। अब 2 है तो 0 यहाँ आ जाएगा, कैरी यहाँ आ जाएगा। अब 3 है जोड़ने, ऐड करने हैं 3 1 3 times 1, तो 2 1 1 आएगा, 1 यहाँ लिख लिया, 1 यहाँ लिख लिया। अब यहाँ पर 2 है, 1 और 1, तो 0 आएगा, 1 यहाँ कैरी आएगा, तो 1 1 0 और 1 कैरी। अब 1 0 0 1 0 0 0, ये 1 वाला हमने आपको रूल बताया था, ए वाला रूल है कि 1 + 1 + 1, इसको शॉर्ट करने के लिए हमने ऐसे याद कर लिया 1 1 होगा, 1 लिख लिया जाएगा और 1 कैरी में चला जाएगा। आप जोड़ करके देखिए कि 1 1 1 0 होता है, और 1 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 1 हो जाएगा। तो 3 करने के बजाय सीधे एज इट इज इसको रूल यूज कर सकते हैं कि 3 times 1 + 1 + 1 है तो 1 लिखेंगे और 1 कैरी में चला जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये पूरा बाइनरी एडिशन यहाँ तक हो गया। अब हम कोई भी नंबर को बाइनरी एडिशन कर सकते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन है। लॉजिक ऑपरेशन से इसमें डिफरेंस रखेंगे, क्योंकि लॉजिक ऑपरेशन में 1 और 1 1 ही होता है, 1 और 1 1 0 नहीं होता है। लॉजिक अलग मैटर है और अरिथमेटिक अलग है, उसकी हम बात बाद में करेंगे। नमस्कार, सभी लोगों को धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक में हम बाइनरी सबस्ट्रक्शन को लेंगे।